अस्सलाम वालेकुम, इकबाल एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है प्रोटेक्शन ऑफ मैरिज। मैरिज की प्रोटेक्शन के हिसाब से क्या हमें कानून हमें सपोर्ट करता है। देखिए, पार्ट टू है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें बुनियादी हकूक दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट। और इसी तरीके से अगर हम आर्टिकल 35 देखते हैं तो आर्टिकल 35 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, जो हमें फैमिली के बारे में, जो मैरिज को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन ऑफ द फैमिली, प्रोटेक्शन ऑफ द मैरिज। आर्टिकल 35, द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द मैरिज, द फैमिली, द मदर एंड द चाइल्ड। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए 35 है आर्टिकल। अब इसी तरीके से हम अगर बात करते हैं, लेटेस्ट रूलिंग है 2020 की, 2020 रूलिंग है सीएलसी और पेज है 134। उसमें यह कहा गया है कि जो स्टेट है उसकी ये जिम्मेदारी है कि शादी को प्रोटेक्ट करे, फैमिली को प्रोटेक्ट करे, मां को प्रोटेक्ट करे और बच्चे को प्रोटेक्ट करे। यानी आपकी फैमिली को, आपकी शादी को प्रोटेक्ट करना ये स्टेट की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है। अब इसी तरीके से एक सोई जूरिस लड़की ला के मुताबिक, एडल्ट लड़की इस्लाम में सोई जूरिस कानून की जबान में कहा गया है कि सोई जूरिस लड़की मर्जी से शादी कर सकती है अपनी गार्डियन, अपने वली की इजाजत के बिना। अब ऐसा होता है कोई लड़की शादी करती है अपनी मर्जी से, मगर उसके रिश्तेदार, उसके वालदैन उसके खिलाफ केस फाइल कर देते हैं। मगर आर्टिकल 9 ये कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कि सिक्योरिटी देना ये जिम्मेदारी है रियासत की, सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन। अगर कोई पर्सन को खतरा है उसके पेरेंट्स से, उसके रिश्तेदारों से, तो उसको प्रोटेक्ट करना ये रियासत की जिम्मेदारी है। हर इंसान की सिक्योरिटी देना ये रियासत का काम है। और आर्टिकल 37 के तहत तो वैसे शादी को प्रोटेक्शन हासिल है, प्रोटेक्ट करना ये भी रियासत की जिम्मेदारी है। और उसको रिस्ट्रिक्ट करना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना ये गलत होगा। उसको आजादी है लाइफ की, लिबर्टी है, जो कि लीगली वेडेड कपल है उसको इजाजत है अपनी मर्जी से, लिबर्टी है उसको रहने के लिए, उसकी शादी को प्रोटेक्ट करना ये रियासत की जिम्मेदारी है। कानून उसको प्रोटेक्शन देगा, कानून की जिम्मेदारी है अंडर आर्टिकल 9 के तहत, और शादी को प्रोटेक्शन आर्टिकल 35 के तहत आती है। तो कानून में शादी की पूरी प्रोटेक्शन मौजूद है। ये और बात है उसको मिसयूज किया जाता है, उसके रिश्तेदार उसके वालदैन गलत केस बना के उसको अंदर कर देते हैं, समटाइम मार भी देते हैं, जुल्म सितम भी करते हैं, जो कि बड़े सितम की बात है। ये था आज का लेक्चर, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।